All right, दोस्तों, एक exciting phone हमारे पास आ गया है and genuinely जब MWC में मैंने पहली बार इसे देखा था, I was impressed with it. Yes, मैं बात कर रहा हूँ Tecno Phantom V Fold के बारे में, the most affordable foldable phone in India right now. जी हाँ, इसकी जो price है that is 88,888. तो उस हिसाब से देखते हैं दोस्तों. But एक बात कहूँ, Tecno जो है जाना जाता है affordable phones लाने के लिए and they have now entered into premium and premium ही नहीं foldable phone में. That is impressive. Let's open. Phone भी इतना impressive है, देखते हैं. The box is impressive. Yeah, unboxing experience. बड़ा box होता है तो अच्छा लगता है. Right up front phone है. Phone के पास देखने वाले हैं, but just wait for it. और क्या है? V लिखा हुआ है इधर. Okay. Beyond the extraordinary. All right. देखते हैं extraordinary कितना है. सबसे पहले SIM card tool आता है. I'm sure अंदर document. Oh, case. There is a case. और वो भी carbon fiber finish में. Beautiful case यार. और stand भी है इसमें. All right, रखते हैं इसे. चार्जर भी है इनसाइड द बॉक्स, वो भी टेक्नो का 45 वॉट का फास्ट चार्जर है, सो दैट इज डेफिनेटली गुड. बहुत सारे बॉक्सेस है यार, मजा आता है. ओके, यूएसबी टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल है. और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है. लेट्स कीप एवरीथिंग ऑफ दिस असाइड. फैंटम वी फोल्ड, जैसे मैंने बताया दोस्तों, दो तीन बहुत ही अच्छी चीजें इस फोन के बारे में. एक तो क्रीज मुझे इतनी ज्यादा नजर नहीं आ रही है. देयर इज वेरी लेस क्रीज, ना के बराबर है. आपको आगे से आप स्ट्रेट देखोगे तो आपको दिखेगा भी नहीं. लुक एट दैट फिनिश. ओह नाइस. एक हाथ से खोल सकते हैं क्या? खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं. ओके, पीछे का जो फिनिश है ना, इट इज गॉट नाइस टेक्सचर, जो ऐसे पेपर का टेक्सचर होता है वैसे ही कुछ है. ये बेसिकली सस्टेनेबल प्लास्टिक से बनाया हुआ है, सो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है ये. एंड आगे की तरफ स्क्रीन बड़ी लग रही है. वैसे केस डाल के देखते हैं. फोन इट लुक्स गुड. इन हैंड फील एक हैवियर थिकर कैंडी बार फोन होता है वैसे ही कुछ है. जब आप पकड़ोगे आपको पता चलेगा, बट फील्स गुड इन हैंड फॉर अ फोल्डेबल फोन. सही में बहुत अच्छा लगता है. अगर हिंज के बारे में बात करूं दोस्तों, तो एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम हिंज है, सो दैट इज वेरी गुड. इनफैक्ट टेक्नो प्रॉमिस करता है कुछ 200,000 फोल्ड, सो आराम से अगर 100 फोल्ड भी आप दिन में करते हो तो 5-6 साल इस्तेमाल करोगे, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. एक चीज मैंने नोटिस की, लेकिन वो जो फ्लेक्स मोड जैसे होता है ना, वेयर यू कैन कीप इट, वो दिख नहीं रहा है मुझे. ये देखिए, या दैट इज व्हाट इट इज. ओके, लेट्स डू अ पेपर टेस्ट. लेट्स डू इट. देखते हैं बीच में कितनी जगह है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लुक एट दिस, नाइस. सो बेसिकली डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जो होंगे वो अंदर ज्यादा नहीं जाएंगे, सो दैट इज ऑल्सो देयर. एंड आई लव दिस केस बाय द वे, दिस इज वेरी नाइस. वैसे दोस्तों, मैंने आपको डस्ट पार्टिकल्स के बारे में बताया, बट IP रेटिंग वगैरह नहीं है, तो उन्होंने डस्ट एंड वाटर प्रोटेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ है, सो दैट इज डेफिनेटली देयर. सो केस निकालते हैं एंड वी हैव टू डू आवर रेगुलर स्टफ. अगर वेट के बारे में बात करूं दोस्तों, दिस शुड बी क्लोजर टू 300 grams. 285 grams. अरे 300 बराबर का था, 299.6 grams. सो यस, इट इज डेफिनेटली हैवी है. ऑब्वियसली फोल्डेबल फोन है, दो डिस्प्ले मिलता है, एक बड़ा डिस्प्ले आपको मिलता है टैबलेट के जैसा, सो वेट तो होगा ही. वी हैव अ ट्रेडिशन हियर, गिरा के देखना. ये फोल्डेबल फोन है, गिरा के तो देखना पड़ेगा ही, लेकिन थोड़े कम हाइट से गिराने वाला हूं. 1, 2, 3. ओके, नथिंग. पीछे से भी गिरा के देखते हैं. वैसे आगे की तरफ गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन है, सो नो प्रॉब्लम्स देयर. 1, 2, 3. यार, ये फोल्डेबल फोन का इतना हुआ टेंशन आता है. एंड टेक्नो आई प्रोबेबली इज नॉट गोइंग टू लाइक इट, बट बिल्ड क्वालिटी मैं कहूंगा अच्छी है. पोर्ट्स वगैरह प्रॉपर है, नो प्रॉब्लम्स. ऑलराइट, बाहर से तो वैसे पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ नहीं देखा है हमने. या नीचे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलता है स्पीकर ग्रिल, देन यू हैव अ सिम कार्ड ट्रे, यूएसबी टाइप सी, माइक्रोफोन. ऑन द राइट हैंड साइड आपको पावर ऑन ऑफ बटन मिलता है एंड इट इज वॉल्यूम रॉकर उसके ऊपर. वैसे पावर ऑन ऑफ बटन जो है दैट इज फिंगरप्रिंट सेंसर एज वेल. ऊपर की तरफ दूसरा स्पीकर ग्रिल मिलता है एंड नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन. लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है. वैसे इसकी जो फ्रेम है दोस्तों, दैट इज मेटल, इसीलिए आपको एंटेना बैंड दिख रहे हैं. एंड सिम कार्ड ट्रे जो है, इट इज ड्यूअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट. ओके, बाहर से देख लिया दोस्तों, लेट्स क्विकली लुक फ्रॉम इनसाइड. लेट्स स्टार्ट द फोन. वैसे जब तक स्टार्ट होता है दोस्तों, आप लगे हाथ लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए. वैसे शेयर भी जरूर कीजिएगा, जो भी इंटरेस्टेड है एक अच्छा फोल्डेबल फोन बाय करने के लिए. देखना है अंदर क्या है, बट बाहर से तो इंप्रेसिव लग रहा है. ऑलराइट, डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं दोस्तों. ऊपर वाला जो डिस्प्ले है, एक्चुअली इट इज क्वाइट गुड. जी हाँ, ये एक प्रॉपर जो एक फोन होता है वो भी कर्व्ड डिस्प्ले है. बाय द वे, अगर राइट हैंड साइड में देखोगे तो कर्व्ड 3D कर्व्ड डिस्प्ले है एंड इट इज 6.42 इंच का 120Hz का एमोलेड डिस्प्ले. द गुड थिंग इज, अंदर का जो मेन डिस्प्ले, बड़ा डिस्प्ले है, ऊपर का छोटा डिस्प्ले, उनके जो स्पेक्स है, रिफ्रेश रेट है, वो सब कुछ सिमिलर है. अंदर भी आपको 120Hz एमोलेड डिस्प्ले ही मिलता है. 7.85 इंच का डिस्प्ले है अंदर वाला जो है. इट इज अ 2K पैनल. फ्रंट जो है वो फुल HD है, बट दिस वन इज अ 2K पैनल. और दोस्तों, टच सैम्पलिंग रेट जो है अंदर का 240Hz
हर्ट्ज है, ऊपर का जो है दैट इज 360 हर्ट्ज, सो दैट इज वेरी नाइस। और एक बात बताना भूल गया, LTPO डिस्प्ले है, इसका मतलब 10 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक जो आप काम कर रहे हो उस हिसाब से वो अडैप्ट करेगा, सो दैट इज अ बिग थम्स अप। डिस्प्ले के मामले में डेफिनेटली अगेन क्वाइट इंप्रेसिव। और दोस्तों बड़ी स्क्रीन की वजह से आप बेसिकली इसके ऊपर मल्टीटास्किंग कर सकते हो, उतना ही नहीं दो एप्स एक टाइम पे खोलने हैं, वीडियो एडिटिंग वगैरह करना है वो भी आप कर पाओगे। और दोस्तों अगर ब्राइटनेस के बारे में बात करूं, पीक ब्राइटनेस इज 1100 निट्स। लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिकेशंस। दोस्तों ये आता है डिमेंसिटी 9000 प्लस इस 5G प्रोसेसर के ऊपर, एंड इट इज अ इंप्रेसिव प्रोसेसर। टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं कहूंगा प्रीमियम मिड रेंज या क्लोज टू फ्लैगशिप, बजट फ्लैगशिप उस सीरीज का है। अंतुतु स्कोर इसका 1 मिलियन के ऊपर आता है, सो दैट इज अ बिग थम्स अप। परफॉर्मेंस के मामले में एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। इसमें LPDDR5X रैम टाइप आती है एंड UFS 3.1 स्टोरेज टाइप आता है, नहीं 4.0 नहीं है, 3.1 है। अगर मैं वेरिएंट के बारे में बात करूं, 12/256 वेरिएंट आता है, एक ही वेरिएंट है, 12GB रैम 256GB स्टोरेज। 5000 मिली एम्पीयर की बैटरी है, दैट इज वेरी गुड, 5000 मिली एम्पीयर बैटरी एंड 45W चार्जिंग, 55 मिनट्स में 0-100% हो जाता है। दोस्तों गेमिंग परफॉर्मेंस इज रियली गुड, 90 FPS आप हाईएस्ट सेटिंग्स पे खेल पाओगे, PUBG न्यू स्टेट वगैरह, COD मोबाइल, सो दैट इज गुड। वैसे जो गेमर्स होते हैं वो फोल्डिंग फोन्स लेते हैं नहीं पता नहीं, बट बेसिकली आई विल टेल यू गेमिंग परफॉर्मेंस इज आल्सो क्वाइट गुड। इवन डे टू डे परफॉर्मेंस जो है, मुझे ये फोन बहुत ज्यादा स्नैपी लगा। आपको अगर OS के बारे में बात करूं तो हाई OS 13 आता है विच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 13, बट स्वाइप्स, टचेस, ट्रांजिशंस वगैरह जो है वेरी वेरी स्नैपी, वेरी स्मूथ, सो बिग थम्स अप देयर एज वेल। दोस्तों और कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं, मैंने कहा आपसे 5G चिपसेट है, 15 बैंड्स का सपोर्ट है, Wi-Fi 6 आता है, ब्लूटूथ 5.3 है, सो अगेन कनेक्टिविटी ऑप्शंस ऑल देयर, कहीं पे भी जाइए 5G वगैरह सपोर्ट करेगा, यू शुड नॉट हैव प्रॉब्लम। दोस्तों सेंसर्स के बारे में बात करूं तो सभी सेंसर्स आते हैं, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, इवन NFC भी है, सो अगेन गुड देयर। मल्टीमीडिया इज ग्रेट, एक्चुअली आई एम इंप्रेस्ड बाय द स्पीकर्स, जो स्टीरियो स्पीकर्स हैं, जब आप खोल के वीडियो वगैरह देखते हो, यूट्यूब वीडियोस या फिर कोई मूवी वगैरह देख रहे हो, यू आर गोइंग टू एंजॉय जो साउंड है ऑडियो की, दैट इज गुड। एंड डिस्प्ले ऑब्वियसली दोस्तों, लुक एट दैट डिस्प्ले, वेरी वेरी नाइस। एक चीज मुझे डेफिनेटली अच्छी लगी कि आगे का जो डिस्प्ले है इट इज लाइक अ फोन, ऐसे नहीं, बहुत बार ऐसे होता है कि फोल्डेबल, इनफैक्ट ज्यादा फोन्स नहीं है फोल्डेबल, बट जितने भी देखे हुए नैरो डिस्प्ले होता है इसका, 21:9 एस्पेक्ट रेशियो है, जो जनरल आपके कैंडी बार फोन्स में होता है वैसे ही उसका एस्पेक्ट रेशियो है। तो फ्रंट स्क्रीन इज लाइक अ फुल नॉर्मल आपका जो स्मार्टफोन है विद 6.42 इंच स्क्रीन, सो नियरली नहीं 100% चीजें आप इसके ऊपर भी कर सकते हो। यू हैव टू ओपन इट जब आपको एक बड़ी स्क्रीन चाहिए, कुछ ज्यादा मूवीज वगैरह देख रहे हो, मल्टीमीडिया कंज्यूम कर रहे हो, वरना सब कुछ इस डिस्प्ले भी कर सकते हो। कैमरास ऑन पेपर दोस्तों, वैसे ज्यादा टाइम में हम बिता नहीं सके तो आई एम नॉट एनालाइज द फोटोज, बट जो स्पेसिफिकेशंस है वो इंप्रेसिव लगते हैं। फोटोज जो है वो मैं जी ड्राइव लिंक दे रहा हूं, बहुत सारे फोटोज हम निकालेंगे अभी, सब मैं सेव कर दूंगा दोस्तों जी ड्राइव लिंक, आप ओरिजिनल क्वालिटी में फोटोज देख पाओगे, जरूर जाके देखिएगा। बट स्पेक्स के बारे में बात करूं, पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप आता है, 50MP+50MP+13MP, आगे आपको जो कवर डिस्प्ले है उसके ऊपर 32MP का आता है, और जो बड़ा डिस्प्ले है उसमें भी एक कैमरा है, टोटल 5 कैमरास है, ये 16MP का है। अंदर का जो है वो थोड़ा राइट हैंड साइड को पंच होल है, आगे जो है वो सेंटर पंच होल है, और इसमें दोस्तों आपको 5 अल्ट्रा HD कैमरास मिलते हैं जो जनरली फोल्डेबल फोन्स में कम ही दिखते हैं, लेकिन क्वालिटी जाके देखिए आपको पता चल जाएगा। वैसे टेक्नो के जो फोन्स होते हैं वो कैमरा के लिए जाने नहीं जाते, सो यू नो That is what it is. So that is what Tecno Phantom V Fold is. जी हाँ दोस्तों, जो standout चीजें मैं definitely कहूँगा, 3 मैं point out करूँगा। एक तो display दोस्तों, beautiful displays, absolutely. Multimedia experience इसमें बहुत मजा आने वाला है आपको. And finally performance. जो performance है, that is very good. मतलब बहुत ही phone snappy लगता है. And for 88,888, this is definitely the most affordable phone you can buy. अगर आपको एक foldable ही phone लेना है, definitely आपने इसके पास देखना चाहिए. चलिए दोस्तों, इस video में इतना ही. अगले video तक keep track and stay safe.